गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम, जोहार। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, वेयर वी स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और इस वीडियो में आपको विभिन्न प्रकार के जो घटनाएं घट रही है, जिस पर सरकार का नजर और प्रत्येक विद्यार्थी का नजर होना चाहिए, उस पर एक वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें मैं आपको संक्षिप्त जानकारी उस टॉपिक पर दूंगा। इफ यू लव दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग। फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रीष्म लहरें। इंग्लिश में कहे तो हीट वेव्स। ग्रीष्म लहरें क्या होती है? अगर ग्रीष्म लहरों पर विचार किया जाए तो भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान या पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार अगर देखा जाए तो राजस्थान है, विदर्भ है, तमिलनाडु के भीतरी इलाकों में छिटपुट जगहों पर गर्म हवाओं की लहरें अर्थात ग्रीष्म लहरें, हीट वेव्स चलना प्रारंभ हो चुका है। इसकी संभावना भी व्यक्त की जा चुकी है और ये चेतावनी हाल की अधिकांश जगहों पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर दर्ज करने के कारण की गई है। देखिए, ग्रीष्म लहरें होती क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान के विभाग के अनुसार देखा जाए तो जब किसी जगह का तापमान, अगर वो मैदानी क्षेत्र है तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, अगर वो तटीय क्षेत्र है तो वो 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, अगर वो पर्वतीय क्षेत्र है तो न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हो जाता है तो ग्रीष्म लहरें या गर्म हवाएं, उन्हें ग्रीष्म लहरें या गर्म हवाएं या फिर हीट वेव्स माना जाता है। ग्रीष्म लहर घोषित करने से कुछ मानदंड है, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि तापमान में अगर सामान्य रूप से 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर वृद्धि होने लगती है तो उसे ग्रीष्म लहर की स्थिति घोषित कर दी जाती है। जनरली सामान्य तापमान में अगर 6.4 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस लगभग आप मान सकते हैं, से अधिक वृद्धि हो तो प्रचंड ग्रीष्म लहर एक माना जाता है, उसको सीवर हीट वेव्स कहा जाता है। अगर 6.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाए तो मैदानी इलाकों में, जैसा कि आपको बताया गया कि अगर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया तो ग्रीष्म लहर, अगर 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया तो वो हो गया प्रचंड ग्रीष्म लहर। क्या कारण है आखिर ग्रीष्म लहर इतनी क्यों आ रही है? लगातार भारत में ग्रीष्म लहरों का प्रचंड जो प्रभाव है वो क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, शहरी क्षेत्रों में जो पक्की और कंक्रीट सतहों का जो लगातार निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहे हैं, चारों तरफ पेड़ों का कटाई, मतलब एक तरह से जमीन का कोई कोना नहीं बचा है जहां पर इंडस्ट्री, सड़क, पुल, रेलवे इत्यादि नहीं बैठ गया, जिसके कारण वृक्ष आवरण था वो खत्म हो चुका है। दूसरा बात है, आपको पता होगा हीट वेव आइलैंड। देखिए, अंडर द अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है? अर्बन हीट आइलैंड जैसे कि जो शहर का जो टेम्परेचर होता है वो आसपास के गांव या उसके इलाकों से अधिक होता है, दैट इज कंसेप्ट, इसको कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड। तो अर्बन हीट आइलैंड के कारण भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक महसूस किया जा रहा है टेम्परेचर। अगर देखा जाए जलवायु परिवर्तन भी इसका बहुत बड़ा, वैश्विक स्तर पर दैनिक उच्च तापमान में वृद्धि हो रही है, लंबे समय तक चलने वाली जो तीव्र और ग्रीष्म लहरें हैं उसका लगातार में वृद्धि होना, इसके अलावा अगर देखा जाए तो पर्यावरणीय किरणों का बहुत उच्च तीव्रता बढ़ गया है, यही सब है अगर देखा जाए तो भारत के लिए आगे की राह क्या है, इससे भारत कैसे बचाव कर सकता है, इसके लिए क्या कर सकता है? तो जो मौसम संबंधी आंकड़े हैं उसको ट्रैकिंग किया जाए, उष्मा हॉटस्पॉट की पहचान की जाए और उससे जुड़े हुए जो कुछ रणनीतिक जो एक्शन होना चाहिए वो लेना चाहिए, और जो सबसे कमजोर समूह के लोग हैं, जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं, उनके बचाव के लिए उनके कुछ क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, कुछ कार्य योजना बनानी चाहिए, ठीक है। स्वस्थ जल, विद्युत और जो जनरल एक गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए उसकी सुविधा हो, और जनरल सरल डिजाइन हो, घर का रंग, सड़क का रंग, पर्यावरण की जो सुरक्षा, स्वस्थ और आसपास के जो वातावरण में जो पेड़ पौधों की बढ़ोतरी जितनी ज्यादा हो सके आप इस ग्रीष्म लहरों को कम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अच्छा मानसून का पूर्वानुमान किया गया है स्काई मेट के द्वारा। तो मानसून के बारे में, उससे पहले आप समझ जाइए कि मानसून की जो अवधि है औसतन दीर्घा अवधि, मतलब लगभग 103% रहने की इस बार संभावना है। तो औसतन दीर्घा अवधि क्या होता है?
औसतन दीर्घावधि मतलब होता है कि अखिल भारतीय पूरा पूरा भारतवर्ष में जो मानसूनी वर्षा है जो औसत होता है 88 सेंटीमीटर। अगर पूरा भारतवर्ष में जो औसतन वार्षिक वर्षा है 88 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो उसको हम लोग मानते हैं कि औसतन दीर्घावधि से ज्यादा अच्छा है। अगर 88 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो दैट मीन गुड मानसून, ठीक है। और ये 50 साल का एक रिकॉर्ड है डेटा, उस पे एनालिसिस करके औसत निकाला गया है। और इस बार बताया कि एलिनो का जो प्रभाव होगा वो काफी कम है। एलिनो, यू नो अबाउट दैट, कि एलिनो जो होता है उस समय क्या होता है, भूमध्य रेखी प्रशांत महासागर के जो टेम्परेचर होते हैं वो आधे डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि कर जाते हैं, जिसके कारण पेरू और उसका जो इक्वाडोर और चिली के जो आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण चारों तरफ वहां पर भारी बारिश होती है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो पूरी प्रशांत महासागर में देखा जाए, जिसके आसपास मतलब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, जावा है और भारतीय का कुछ क्षेत्र है, वहां पर सूखे की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इस बार लालीना की स्थिति लगभग व्याप्त है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों में अगर देखा जाए तो मैदानी इलाकों में भी मानसून के दौरान थोड़ा सा कम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट है कि इंडियन ओशन डाइपोल, जिसको हिंदी में हिंद महासागर द्विध्रुव कहते हैं, ये भी पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के तापमान में अंतर के कारण और कुछ हद तक मतलब तापमान में जब अंतर पैदा होगा तो दबावांतर पैदा होगा और उसके पश्चात एक तरह से हवाओं का विचलन होने लगेगा, हवाएं घूमने लगेगी, बारिश होने लगेगा, यही है। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल के कारण क्या होता है, भारतीय मानसून में इसमें फेवरेबल कंडीशन होता है। मतलब जब जब पॉजिटिव मानसून आएगा, जनरली अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो जब जब पॉजिटिव मानसून रहा है, मेरा कहना है कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल भारतीय मानसून के लिए फेवरेबल रहा है। पॉजिटिव इंडियन डायपोल जो है उससे अरब सागर में आने वाली चक्रवातों की संख्या बढ़ गई है। पॉजिटिव इंडियन जो अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल अगर होता है तो उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, लालीना आती है और इसके साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा वो एलिनो के प्रभाव को भी कम करता है। लेकिन नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल हो तो इसका प्रभाव जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अर्थात बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। भारतीय मानसून चौपट हो सकता है, अक्सर ऐसा देखा गया है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि एलिनो जब जब आएगा भारतीय मानसून खराब होगा, बहुत से ऐसे रिकॉर्ड है। और इसका एलिनो का और ये जो लालीना है इसके बारे में एग्जैक्ट मतलब पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 5 साल 6 साल का डेटा के आधार पर ये बताया जाता है, मतलब 50 साल 60 साल रिकॉर्ड जो डेटा इकट्ठा किया गया है उसके आधार पर ये चर्चा की जाती है, सोचा जा सकता है इस पर। ओके, फिर से सुनिए, अकॉर्डिंग टू बुकिश लैंग्वेज कि इंडियन ओशन डायपोल क्या है। देखिए, उष्णकटिबंधीय जो हिंद महासागर में एलिनो के समान, एलिनो के जैसा ही है, वायुमंडल और महासागर दोनों के इंट्रैक्शन से, दोनों के अंतर संबंध से उत्पन्न एक परिघटना होती है इंडियन ओशियन डायपोल। इंडियन ओशियन डायपोल एलिनो का जैसा ही एक परिघटना है, जिसमें महासागर और वायुमंडल दोनों आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, उनके इंट्रैक्शन से एक परिघटना पैदा होती है। इस परिघटना को हम लोग इंडियन ओशियन डायपोल बोलते हैं। इंडियन ओशियन डायपोल की स्थिति में सागरी सतह के तापमान में भिन्नता उत्पन्न होती है। प्रमुख विशेषता अगर देखा जाए इसका तो हिंद महासागर द्विध्रुव अर्थात इंडियन ओशियन डायपोल पूर्वी हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी हिंद महासागर अर्थात अरब सागर के सतह के तापमान में अंतर पैदा होता है। इस तापमान भिन्नता के परिणाम स्वरूप वायुमंडल दबाव में अंतर पैदा होता है और परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भागों में हवाओं का संचरण होने लगता है, जैसा मैंने आपको देहाती भाषा में शुरुआत में समझाया था। देखिए, सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव या हिंद महासागरी द्विध्रुव के दौरान क्या होता है, भूमध्य सागरी हिंद महासागर में समुद्री सतह के सामान्य तापमान ठंडा और पश्चिमी उष्णकटिबंधीय महासागर के समुद्री सतह के तापमान अधिक गर्म हो जाते हैं। तो जो हिस्सा अधिक गर्म होगा वहां का दाब कम हो जाएगा और दाब जब कम होगा तो उसको भरने के लिए हवाएं दौड़ेगी। और चूंकि ये पूरी परिघटना वायु जल और वायुमंडल के संचरण के इंट्रैक्शन से हो रहा है, तो जब वायु उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर अपने साथ नमी ले जाएगी तो पश्चिमी जो हिंद महासागर है अर्थात अरब सागर के आसपास वहां से जो मानसून प्रवेश करेगा उसको लिए एक तरह से फेवरेबल कंडीशन, एक बल मिलेगा। मानसून तो पहले से है, ठीक है, नॉर्मल मानसून, यू नो दक्षिणी पश्चिम मानसून जो हो रहा है अरब सागर की शाखा से प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ा दो शाखा में टूट जाती है, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून जब प्रवेश करती है तो उसको एक फैक्टर, एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल जाता है इंडियन ओशियन डायपोल। इसके अलावा मानसून को प्रभावित करने वाले कारक में अगर देखा जाए तो राजस्थान का जो पूरा रेगिस्तान है वो अगर बहुत ज्यादा हीटेड हो गया हो तो वहां उच्च दाब कि निम्न दाब क्रिएट होगा तो उसको भरने के लिए हवा दौड़ेगी, या फिर हिमालय का जो आवरण है
वो दूसरा तिब्बत का पठार अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो वहां भी निम्न दबाव का क्रिएट हो जाएगा। हिमालय में अगर बर्फ की जो लेयर है वो घट जाए तो भी होगा। एलिनो जिसको हम लोग एल्बिडो बोलते हैं, अगर हिमालय का एल्बिडो कम होगा तो दबाव स्वाभाविक है कम हो जाएगा। दबाव जब कम होगा तो उसको हवाएं उसको भरने के लिए दौड़ेगी, तो जब हवाएं जब समुद्र से अरब सागर से होते हुए उठेगी और पश्चिम अर्थात अरब सागर की खाड़ी से घुसते हुए प्रवेश करेगी और एक बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करेगी तो मानसून प्रमोट हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। ओके, तो और कुछ इसके बारे में जान लीजिए कि अध्ययनों से पता चला है कि पॉजिटिव आईओडी अर्थात सकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल के दौरान भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होता है और नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल के दौरान अल्लीनो की तीव्रता में वृद्धि होती है। मतलब नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल और अल्लीनो आपस में प्लस हो जाते हैं जिससे भारतीय मानसून और मतलब बेकार हो जाता है और गंभीर सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। इंडियन ओशन डाइपोल अगर नेगेटिव रहा तो एल्लिनो भी आ सकता है और एल्लिनो और नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल भारतीय मानसून को चौपट कर सकते हैं। दूसरा है, लेकिन अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो अरब सागर में जैसा कि मैंने बताया कि सामान्य से अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इस बार आपने देखा होगा 2019-20 में अरब सागर में आने वाले चक्रवातों की संख्या बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों की संख्या से ज्यादा थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं नकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल पैदा हुआ होगा। ठीक है, नेगेटिव आईओडी के कारण बंगाल की खाड़ी में सामान्य से अधिक शक्तिशाली चक्रवात उत्पत्ति की स्थितियां बनती है। ठीक है, नेगेटिव आईओडी हो तब, ठीक है, इस दौरान अरब सागर में चक्रवात मध्यम हो जाता है। तो इस बार पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल था, माफी चाहता हूं उसके लिए, जिसके कारण क्या हुआ, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में आने वाले चक्रवातों की संख्या उससे ज्यादा थी बंगाल की खाड़ी की तुलना में। ओके, तो इस कंसेप्ट पे मैंने आपको एल्लिनो समझाया, लालिना समझाया, इनसो, इन दोनों का एल्लिनो और लालिना दोनों को मिलकर एक बनता है कंसेप्ट, इनसो बोलते हैं। और ये घटनाएं कब होती है, इस घटनाओं पर भारतीय मानसून में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हिंद महासागर अर्थात इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, इसका फिर हमारे भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव है। तो ओवरऑल एक ही कंसेप्ट में एक क्वेश्चन सीधा मेंस के लिए कि इंडियन ओशन डाइपोल भारतीय मानसून को किस तरह से प्रभावित करता है और भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के साथ इसका संक्षिप्त जिक्र करें विद द फिगर। दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ मेंस फॉर यूपीएससी और अदर पीसीएस। लिखें देखकर समझकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय नागरिक। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो अबाउट दैट की OCI जिसको हम लोग भारतीय नागरिक तो बोलते हैं लेकिन वो प्रवास करते हैं, दूसरी दुनिया में रहते हैं, दूसरी दुनिया का मतलब दूसरे देश में रहते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ परिवर्तन लाया गया है OCI कार्ड के धारकों को, इसमें कुछ जो नए परिवर्तन है। वर्तमान में क्या है, किसी भी प्रवासी भारतीय OCI कार्ड धारक के पास नया पासपोर्ट जारी करते समय आवेदक में जो उसके चेहरे में होने वाले परिवर्तन के कारण क्या होता है, प्रत्येक 20 वर्ष बाद, यानी अगर आपने 20 वर्ष की आयु में अगर आपने OCI कार्ड बनाया है तो फिर से आपको एक बार बनाना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा। लेकिन इस नए परिवर्तन में अब क्या किया गया है कि अगर आपने 20 वर्ष से पूर्व OCI कार्ड धारक की पहचान करता मतलब अपना रजिस्टर कराया है तो एक बार 20 वर्ष के बाद बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या था, 20 वर्ष के बाद बनाए, कितने बार बनाए, आपको बार बार बनाना पड़ता था। चलिए ठीक है, अच्छा कदम है, यदि कोई 20 वर्ष की आयु के बाद अगर OCI कार्ड धारक के रूप में अपना पंजीकरण कराता है तो उसके लिए OCI कार्ड पुनः जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये प्रवासी भारतीय होते कौन है। भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2005 में जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें संशोधन किया गया था और उसमें प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना प्रारंभ की गई थी। 2005 में OCI कार्ड धारक की पहचान करने के लिए मतलब एक नया कंसेप्ट जोड़ा गया नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके। उसके बाद क्या हुआ, 2015 में जो उससे पहले जो भारतीय मूल के जो नागरिक होते थे उसको भी अलग कार्ड मिलता था, तो 2015 में इस PIU को समाप्त करके अब OCI में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ OCI कार्ड मिलता है, PIU नहीं मिलता है। तो कौन कौन इसके लिए पात्र है, कौन व्यक्ति को OCI कार्ड मिल सकता है, तो सबसे पहले जानिए कि जो दूसरे देश के नागरिक होना चाहिए किंतु संविधान के लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 या उसके बाद किसी समय भारत का नागरिक थे, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद अगर वो किसी समय भारत के नागरिक रहे होंगे, बाद में उन्होंने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हो तो वो OCI कार्ड धारक बन सकते हैं। दूसरा है कि जो देश दूसरे देश का नागरिक है और 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने के लिए पात्र थे,
ठीक है, वो भारत के नागरिक नहीं थे, लेकिन अगर 26 जनवरी 1950 को अगर वो भारत के नागरिक होने के पात्र थे तो भी उनको ओसीआई कार्ड धारक बनाया जा सकता है। तीसरा है कि जो दूसरे देश के नागरिक है किंतु ऐसे राज्य क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग बन गया था, और कुछ ऐसे भी नागरिक जिनका पुत्र, पुत्री या फिर पौत्री या पौत्र, ठीक है, उनके पुत्र पौत्री पोता पोती जो भी हो सब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, अपवाद क्या है? प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड के आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास किसी भी अन्य देश का वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है। अगर आप किसी देश के वैध नागरिक नहीं है तो आपको उसे ही कार्ड तो मिलना भूली चाहिए, वो नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी अन्य देश का नागरिकता नहीं है वो ओसीआई कार्ड उसको नहीं मिलने वाला है, और ऐसे व्यक्ति जिसके माता पिता पाकिस्तान या बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, उसके नागरिक हैं, तो आपको ओसीआई कार्ड नहीं मिलने वाला है। क्या लाभ होगा आपको ओसीआई कार्ड मिलने से? अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक हैं आपको ओसीआई कार्ड मिल जाता है तो सबसे पहला बात है कि आपको आजीवन वीजा मिल गया भैया, आपको जीवन पर वीजा, क्योंकि जब कोई विदेशी व्यक्ति भारत में प्रवेश करता है और उसको अगर ओसीआई कार्ड नहीं है तो उसको बार बार वीजा बनाना पड़ेगा, लेकिन आप अगर ओसीआई कार्ड धारक हैं तो आपको बार बार वीजा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप भारत में प्रवेश करते हैं तो आपको जो पंजीकरण अधिकारी क्षेत्रीय विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी जो होता है, जिसको FRO कहा जाता है, या फिर विदेशी पंजीकरण अधिकारी FRO के पास पंजीकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा है कि इससे जितने भी एनआरआई मतलब भारत के लोग ही हैं जो कहीं विदेश में रहते हैं, लेकिन मतलब नागरिकता तो उसको भारत की है, ठीक है, एनआरआई, ठीक है, अनिवासी भारतीय बोलते हैं जिसको, जितने कुछ सुविधा मिलता है एनआरआई को वो सारी की सारी सुविधाएं, आर्थिक वित्तीय शैक्षिक सुविधा सब कुछ मिलता है, लेकिन ध्यान रहे एनआरआई को कृषि संबंधी या बागवान खरीदने संबंधी छूट मिलती है, लेकिन ओसीआई कार्ड धारक को कृषि या बागान से संबंधित भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है। भारतीय बच्चों के अंतरदेशीय गोद लेने के संबंध में अनिवासी भारतीयों के समान व्यवहार किया जाएगा। इसके अलावा जैसे कि आप अपना इलाज कराने के लिए या फिर नर्स या अधिवक्ता या जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या इसके लिए आप अपना भारत में अगर आते हैं तो आपको वही तरह से एनआरआई की तरह ट्रीट किया जाएगा। भारतीय घरेलू क्षेत्र में वायुयान यातायात करने के संबंध में एनआरआई के जैसा व्यवहार किया जाएगा। इसके अलावा आप राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण और जो पर्यटन स्थल है उसमें घूमने के लिए आपको भी एनआरआई की तरह व्यवहार किया जाएगा, मतलब कोई स्पेशल चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है, दैट्स सफिशियंट फॉर इट। और अगर हम बात करें कि कौन कौन सा मतलब अधिकार है जो ओसीआई कार्ड धारक को नहीं मिलता है, सबसे पहले तो वो वोट नहीं देख सकते हैं, दे कैन नॉट, ठीक है, पार्टिसिपेट इन वोटिंग, ओके। दूसरा है कि किसी भी सार्वजनिक या सार्वजनिक सेवा अर्थात सरकारी नौकरी हो, चाहे केंद्र स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पर हो, नहीं मिलने वाला है। किसी भी कार्ड धारक को, ओसीआई कार्ड धारक को राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में कोई नौकरी नहीं मिलने वाला है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या हाईकोर्ट के न्यायाधीश हो, राज्य विधानसभा हो या फिर परिषद हो, उसके सदस्य के पद के योग्य आप नहीं है, क्योंकि आप भारत के नागरिक ही नहीं है ना, सबसे पहली बात तो यही है, और दूसरा आप किसी संपत्ति तो नहीं खरीद सकते जैसा कि पहले बताया गया। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि नागरिकता का परिभाषा तो इस टॉपिक में नहीं बताया गया, लेकिन 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिक कौन है, कैसे लोग नागरिक नहीं है इत्यादि है, लेकिन इसमें मैंने ओसीआई के बारे में बताया, दूसरा एनआरआई के बारे में बताया, ओसीआई कार्ड धारक होने से आपको क्या फायदा मिल सकता है, ठीक है, और क्या क्या उनको मान्यता मिला है, कौन ओसीआई कार्ड धारक बन सकता है उसको उससे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे अपवाद है जो ओसीआई को नहीं मिलता, वो सब याद रखिए, क्योंकि ऑप्शन कैन बी क्रिएटेड कि ओसीआई कार्ड धारक जमीन खरीद सकते हैं तो किस प्रकार का जमीन नहीं खरीद सकते हैं, आपको बताया गया कि बागवान और कृषि से संबंधित भूमि भी नहीं खरीद सकते हैं, तो क्या वो स्टॉक एक्सचेंज में निवेश कर सकते हैं, क्या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, ये सब आप सोचिए। फिर है जरूरत है आर्टिकल 142 के बारे में जानना। अगला टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूं आर्टिकल 142। यू नो अबाउट दैट कि आजकल आर्टिकल 142 का इस्तेमाल बहुत जरूरत से ज्यादा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों हो रहा है? वास्तव में देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूट होता है, अगर उसमें कुछ मामला नहीं निकल पा रहा हो तो अगर सुप्रीम कोर्ट का लगे कि जो पक्षकार है उसके बीच पूर्ण न्याय स्थापित करना है,
तो सुप्रीम कोर्ट को एक अतिरिक्त पावर दिया गया, मतलब एक एक्स्ट्रा पावर दिया गया। शॉर्ट में कहे तो जब कभी स्थापित नियम, कुछ जो नियम बनाए गए पहले के तहत या जो कानून है उसके तहत अगर मतलब कोई समाधान ही नहीं निकले, कोई मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं बन रहा है, तो ऐसे में अदालत क्या करेगा, ऐसे मामलों से संबंधित जो तथ्यों के मुताबिक जो भी घटना घटी हुई है उसके मुताबिक अंतिम फैसला सुना सकती है। शॉर्ट में कहे तो उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसे डिग्री या ऐसे आदेश को जारी कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित है और जिस पर कुछ खास निर्णय निकलना में बहुत देरी लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है। अभी हाल में जो राम जन्मभूमि पर जो विवाद हुआ था उसमें 5 एकड़ जमीन जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दिया गया वो किस आधार पर दिया गया, तो आर्टिकल 142 के तहत दिया गया। इसके अलावा और भी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। क्या आप मुझे आर्टिकल 142 के इस्तेमाल के द्वारा प्रयोग किए गए दो और भी केस का चर्चा आप अपने कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, तो आपका स्वागत हुआ है, करिए इच्छा है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आए थोड़ा सा जानकारी कि ये समान नागरिकता संहिता, यू नो कॉमन सिविल कोड, आपको पता हो आने वाले 2024 तक में आप जान चुके हैं कि ये मेरी संभावना है, मतलब पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो कॉमन सिविल कोड है वो लगभग लगभग लागू होने वाला है, आप इसके लिए तैयार हो जाइए। अब मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है। क्या मतलब है इसका कॉमन सिविल कोड लागू है? देखिए हमारे कुछ पर्सनल राइट्स होते हैं जैसे गोद लेना, उत्तराधिकारी का नियम, तलाक, विवाह विच्छेद, ये सब जो नियम है या पर्सनल राइट्स है, जैसे हिंदू कोर्ट मैरिज करते हैं 1955 के तहत, शरीयत का नियम है, इसके अलावा यहूदियों का अपना नियम है, ईसाइयों का अपना नियम है, ये पर्सनल लॉज है। इस पर्सनल लॉज के कारण क्या होता है, मतलब इसमें कोई एक तरह से समानता स्थापित नहीं हो पाती है, सब अपने अपने पर्सनल लॉ का हवाला देके मतलब महिलाओं का एक तरह से शोषण करने का एक मतलब तरह से टूल्स बना लिए हैं, उनके अपने नियम से, इनके अपने नियम है, तलाक के इसके अलग नियम है, उसके विवाह विच्छेद का अलग नियम है, इनके कुछ शादी के कुछ अलग नियम है, गोद लेने के कुछ अलग नियम है, इसमें इतनी सारी डाइवर्सिटीज के कारण क्या हो रहा है, महिलाओं के मतलब जो सशक्तिकरण होना चाहिए तो वो नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जिसमें मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए इन सब जो कानूने हैं, जो लिंग तटस्थ नहीं है, जो धर्म तटस्थ नहीं है, लिंग और धर्म को नजरअंदाज करते हुए सभी धर्म और सभी लिंग को ध्यान में रखते हुए, मतलब लिंग को कोई विचार नहीं किया जाता कि महिला है इसलिए ऐसा है, लिंग और धर्म को नजरअंदाज करते हुए कुछ ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो सब पर बराबर बराबर लागू होंगे, ये कंसेप्ट है कॉमन सिविल कोड का। और ये धारा आर्टिकल 19 पता है आपको, 44 में इसका जिक्र है, ठीक है। लेट्स सी अबाउट इट समथिंग, बुक इस किताब के अनुसार क्या है कि संविधान में अनुच्छेद 44 में स्पष्ट कहा गया कि देश में एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए। देखिए चाहिए वर्ड है, लागू होगा ऐसी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अनुच्छेद 44 में है और अनुच्छेद 44 जो है 36 से 51 का हिस्सा है, अर्थात ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है जिसमें राज्य से ऐसा उम्मीद किया गया कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य ऐसा कोशिश करेगी कि वो ऐसा कर पाए, लेकिन आप इसको कराने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात अगर राज्य इसको लागू करने में असफल रहती है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जिस तरह से आप मौलिक अधिकार के लिए जा सकते हैं, अर्थात DPSP यानी नीति निदेशक तत्व जो है वो नॉन जस्टिएबल है, अर्थात गैर वाद योग्य है, ठीक है। गैर वाद योग्य का सीधा मतलब है उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन एक बात तो ध्यान है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत से निर्णयों में स्पष्ट कहा है कि DPSP को लागू करते समय या फिर सरकार जब कोई कानून या कोई बिल या कोई दिशा निर्देश या कोई अध्यादेश लाती है तो उस बात को ध्यान में रखें कि जो नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं संविधान में उसको बल देने की कोशिश करनी चाहिए, उसको लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार उससे अपना कन्नी नहीं काट सकती है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक समानता स्थापित करना, बहुत से ऐसे जो DPSP पंचायती राज को मजबूत करना जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से करने की कोशिश की गई, इसके अलावा शराब का निषेध हो, पशुओं का जो संरक्षण हो, ये सब जो महात्मा गांधी का जो कंसेप्ट था, जो साम्राज्य था, जो ग्राम साम्राज्य था, इस पर एक तरह से बल देना, समान नागरिक संहिता की बात हो और भी बहुत से है कि मतलब विश्व शांति समरसता की बात हो, इसको बल देने की कोशिश करनी चाहिए।
अपने कानून में इसका झलक होना चाहिए. ओके, दैट्स सफिशिएंट फॉर इट. ओके, नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके यूपीएससी कैंडिडेट या फिर जितने भी सिविल सेवक हैं बनने जा रहे हैं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उनको क्या क्या रक्षा मिलता है, कि उन्हें कभी भी ट्रांसफर या कभी भी निलंबित या कभी भी मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है. तो उससे बचाव के लिए कुछ जो कंसेप्ट है उसको समझ लीजिए. आर्टिकल 311 संविधान का अनुच्छेद 311 स्पेशल कैसे है, और 311 का दो सब क्लोज दो ब्रैकेट में दो है, ठीक है, और उसके ब्रैकेट में सी है, ठीक है, लेट्स सी अबाउट इट. जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले या राष्ट्र विरोधी जो भाषण या गतिविधियां या प्रचार प्रसार या मीडिया के माध्यम से जिस तरह से मतलब एक तरह से चैनलाइज किया जा रहा है लोगों को, उसको ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों को पहचान करने और उनकी जांच करने के लिए एक विशेष कार्यबल स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है. क्योंकि बहुत से सिविल सेवक हैं जो अपने वाक अव्यक्ति की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी गतिविधियां में संलिप्त है जिनको जो उनका जो सिविल कोड कंडक्ट होता है उसमें उसके वो खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको आर्टिकल 311 एक पावर देता है कि उसको हटाया नहीं जाएगा. लेकिन स्पष्ट है कि अब इसमें क्या किया गया, देखिए संविधान के अनुच्छेद 311 सब क्लोज 2 सब क्लोज सी में कहा गया है कि जिन गतिविधियों पर कार्यवाही की आवश्यकता निर्धारित की गई है उनमें शामिल होने वाले संदिग्ध कर्मचारियों की जांच हो सकती है. सरकार के द्वारा यह कदम क्यों उठाया जा रहा है, वास्तव में सरकार आगे इतना कठोर क्यों हो रही है, आप सोच सकते हैं. जी हाँ, क्योंकि अतीत में कई सरकारी कर्मचारियों के द्वारा कश्मीर में जारी संघर्ष पर खुलेआम अपना विचार प्रकट किया जा रहा है. एक सरकार का मतलब आप अगर सरकारी पद पर बैठे हैं तो आपको खुलेआम अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे देश की जो एकता है, अखंडता है, संप्रभुता है, इसकी जो क्या कहें अगर सुरक्षा है या फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है. क्योंकि सरकार का व्यक्ति अगर सरकार का विरोध करने लगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो असमंजस है, वो असमंजस बिगड़ सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए 2016 में एक आंकड़ा जारी किया गया जिसमें 5 महीने में जो चले आंदोलन के दौरान कई कर्मचारी सरकारी कर्मचारी उसने भारत विरोधी प्रदर्शन में भाग लिया और सोशल मीडिया पर भारत विरोधी भाषण दिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए खतरनाक है. तो अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली व्हाट आर द पॉइंट्स अबाउट 311 सब क्लोज 2 सब क्लोज सी में क्या कहा गया. देखिए अभी आपको कंफ्यूज होगा इस पर. जब राष्ट्रपति को यह लग जाए या समाधान हो जाए या इसकी जानकारी मिल जाए कि किसी व्यक्ति को लोक सेवा में बनाए रखना, कोई व्यक्ति जो सिविल सेवा में बने रहे अगर उससे राज्य की सुरक्षा के हित में खतरा है तो उसकी सेवाएं 311 सब क्लोज 2 में निर्धारित जो सामान्य जनरल प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया जाएगा और उसके पद से उसको हटा दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा. एक तरफ 311 सब क्लोज 2 उसको सुरक्षा प्रदान करता है जनरल स्थिति में, लेकिन अगर राष्ट्रपति को ऐसा लग गया कि सरकारी कर्मचारी के व्यक्तित्व के कारण, इसके विचार के कारण राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, तो 311 में जो जनरल अधिकार उनको दिया गया है उस पर उसका कोई मतलब नहीं पड़ेगा, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है. देखिए समाधान, राज्य समाधान जो शब्द है वो राज्य की सुरक्षा के हित में संबंधित कर्मचारी को अवसर नहीं देने की जो मतलब बातें जो कही जा रही है कि उसको अवसर ही नहीं दिया जाएगा कि आपने ये जो वक्तव्य प्रस्तुत किया क्यों किया, कोई अवसर नहीं दिया जाएगा क्योंकि इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति के लिए जो प्रदत्त जो अधिकार है, राष्ट्रपति को जो ये बंधन मुक्त अधिकार दे दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगा कि वो व्यक्ति जो सिविल सेवा में पद में बैठा हुआ है अगर उसके विचार देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है तो आप गए बेटा, आपका विचार आपका मतलब आपको अपने विचार रखने तक नेचुरल राइट्स का अधिकार भी नहीं रहेगा, ठीक है. क्योंकि अगर साथ साथ इसको आप कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोर्ट में चैलेंज किया तो राष्ट्रपति का जो समाधान अगर राष्ट्रपति का जो मतलब सोचना था तो वो तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आप राष्ट्रपति पर ही विचार व्यक्त कर सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है मनमाने ढंग से किसी भी सिविल सेवक के पद को खा जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है. इसलिए इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता है, क्योंकि इस शक्ति को अदालत में अगर क्वेश्चन किया जाता है तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति का जो समाधान था अर्थात राष्ट्रपति का जो थिंकिंग था या सोच था या जब विवेक था
उसके स्थान पर न्यायालय का जो विवेक है या न्यायालय की जो संतुष्टि है वो हावी हो जाएगी, जो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति और न्यायपालिका शक्ति आपस में कंट्रडिक्ट कर जाएगी। और देश की सुरक्षा का मतलब है कि देश की सुरक्षा का निर्धारण करने वाला व्यक्ति अब सुप्रीम कोर्ट होगा केवल। दैट्स वेरी कंफ्लिक्टिंग अबाउट दैट। तो आप समझ लीजिए कि निलंबन, आपने बहुत बार सुना होगा कि इसको सस्पेंड कर दिया गया, इसको वॉलंटरी रिटायरमेंट दिला दिया गया या इसको हटा दिया गया पद से, ये सब क्या होता है, कैसे डिफरेंसेस है। निलंबन अथवा अनिवार्य सेवा निवृत्ति, मतलब आपको कहा गया कि आप अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, कैसे एक दूसरे से स्वरूप है। एक केस है बंसी सिंह बनाम पंजाब राज्य। बंसी सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि सेवा से निलंबित किया जाना अथवा सस्पेंड किया जाना, सेवा से बर्खास्त करना या निष्कासित करना अथवा ओहदे को कम करना एक जैसा नहीं है। निष्कासित समथिंग डिफरेंट, निलंबित समथिंग डिफरेंट। देखिए, आपको बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया, या फिर आपको निष्कासित कर दिया गया, आपका ओहदे आपको डिमोरलाइज कर, मतलब डिमोशन कर दिया जाएगा, प्रमोशन और डिमोशन जो होता है, अगर डिमोशन करना, बर्खास्त करना, निष्कासित करना वो सस्पेंड करने से अलग होता है। इसलिए आपको जो सरकारी कर्मचारी को जो पावर मिलता है कि 311 के तहत कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसको संवैधानिक जो गारंटी मिलती है, कहां से मिलेगा जब सेम ही नहीं है वो चीज। तो दूसरा केस है, एक में और केस है, श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंपल्सरी रिटायरमेंट होता है, कंपल्सरी रिटायरमेंट सेवा से बर्खास्त करने और निष्कासित करने से अलग है। सेवा से बर्खास्त करना और निष्कासित करना जब जब वॉलंटरी रिटायरमेंट या कहे कंपल्सरी रिटायरमेंट से अलग है, तो फिर आप किस प्रकार आपको 311 में जो पावर दिया गया है या जो सुरक्षा दिया गया वो मिले, नहीं मिलेगा, काम खत्म। तो आपको अब मैं उल्टा बताऊंगा जो मैंने बताई, अब वो 311 में के सब क्लोज एक में क्या लिखा हुआ है ये जानना चाहिए आपको कि किसी लोक सेवक को उसकी नियुक्ति करने वाले पदाधिकारी के जो नीचे है, जो उसको नियुक्त किया गया है उससे नीचे अगर कोई पदाधिकारी है तो उसके द्वारा उसको पद से हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब उसको हटाने के लिए उससे ऊपर सुप्रीम पावर होना चाहिए। जैसे आईएएस को, अगर किसी आईएएस को हटाना है तो एक जनरल नीचे वाला व्यक्ति तो नहीं हटा सकता है, उससे जो उच्च पदाधिकारी है वो उसको हटा सकता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का, या फिर कहे तो हमारे देश के राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और 311-2 में क्या कहा गया है कि किसी लोक सेवक को उसके विरुद्ध जो आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। देखिए ध्यान से, 311 सब क्लोज 2 में कहा गया है कि अगर किसी लोक सेवक के पद को, उसको अगर उसको उसके पद से हटाया जाता है, उसके विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाता है, तो आरोप के संबंध में सुनवाई का उसको युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा, पद से नहीं हटाया जाएगा, ओहदे से अवनत नहीं किया जाएगा। तो मैंने ना तो पद से हटाया है, केवल मैं